आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं ना, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। असंभव महाराज, असंभव। मुझे तो स्वयं के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जिन महाबली भीष्म ने हस्तिनापुर के सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी, वही आज विभाजन की बातें करने लगे हैं। हे ईश्वर, किस दिशा में जा रहा है हस्तिनापुर? क्या यह उचित है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा मैया उल्टी दिशा में बहने लगी है, और कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं सूर्य देव पश्चिम दिशा से तो नहीं उदय होने लगे। गांधार नरेश, गंगा पुत्र ने हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा ली थी, और इस समय हस्तिनापुर की सुरक्षा उसके विभाजन में है। और आप तो कुरुपुत्रों के मामाश्री हैं, आपसे अधिक ये कौन समझ सकता है कि साथ रहने में किसकी कितनी हानि है। और ये भी समझ सकते हैं कि यदि एक बार अग्नि प्रज्वलित हो उठी तो उसे शांत करना कितना कठिन है, विशेषकर विद्वेष की अग्नि। वासुदेव, मैं तो शांत। शकुनी, शांत। मित्र, तुम्हारी नीति क्या कहती है इस विषय? जब साथ रहते विकास अवरुद्ध हो तो विभाजन श्रेष्ठ है। महाराज, विदुर ठीक कह रहे हैं, हमारे हाथ केवल विभाजन का संकल्प है, इसलिए राज्य उचित ढंग से और सामान्य भाग में विभाजित होना चाहिए। ये विभाजन यहीं समाप्त कर दूंगा। अभी अपने गदा के एक ही प्रहार से इन पांडवों का सिर और सब दोनों चूर चूर कर दूंगा। अभी देखिए, शांत हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट, शांत हो जाओ। देखो, जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार नहीं उठाई जाती। पांडवों को ऐसा विकल्प दूंगा विभाजन का कि वो उसे अस्वीकार कर देंगे, समझ गए? उसके बाद सारा खेल हमारे मुट्ठी में। परंतु विभाजन? परंतु नहीं, ये समय कृष्ण के और मेरे मध्य बुद्धि युद्ध का है, इसीलिए मुझे ही आगे रहने दो। ठीक है मामा श्री। हाँ तो ठीक है, यदि दोनों पक्ष विभाजन के लिए प्रस्तुत हैं तो यही सही। परंतु दाता और याचक, इन दोनों के मध्य एक नियम होता है, जो दे रहा है
वो ही चयन करे। तो इसके नाते विभाजन में पांडवों को कौन सी भूमि मिलेगी, इसका विकल्प देने का अधिकार केवल दुर्योधन का है। तो कहिए गांधार राज, क्या सुझाव है आपके पास? यदि पांडव विभाजन चाहते हैं तो हम उन्हें पांडव प्रस्त देते हैं। और यदि पांडवों को खांडव प्रस्त स्वीकार नहीं तो हमें भी विभाजन स्वीकार नहीं। हाँ, तो पांडव यहीं रहे अपने भाइयों के साथ प्रसन्नता से। प्रेम से और सेवा से। यह अन्याय है गांधार राज। मित्र, तुम देख लो कैसी अनुचित बात कर रही है। खांडव प्रस्त उस भूमि पर कांटे तक नहीं होते, बंजर भूमि है वो, अंग से भी अधिक बंजर, जैसे अभिशापित हो। महाराज, यदि विभाजन नीति अनुसार करना है, पांडवों को वो भूमि देना नीति का अपमान है। तुम दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु, सदैव उसका अहित बोलते हो। मैं वही करता हूं जो मेरे मित्र के हित में हो, और मैं नहीं चाहता कि आपके एक और कुचक्र में फंसकर मेरा मित्र स्वयं को सदा के लिए इतिहास में अन्यायी सिद्ध करते। हमें खांडव प्रस्त नहीं चाहिए, भले ही युद्ध हो जाए। युद्ध से कौन भयभीत है विरकोधर? दान में मिले बछड़े के दांत नहीं गिने जाते। क्षत्रिय दान नहीं लेता, युद्ध करके अपना अधिकार प्राप्त करता है। अर्जुन, तुम्हारे बाणों का उत्तर भी है मेरे पास। यदि कुछ चाहिए तो केवल खांडव्रस्त ही मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। का भाग मत बनो। अन्याय? अपना अधिकार पाने में कोई अन्याय नहीं है मित्र। राजा, राजा मेरे पिता हैं, इसीलिए हस्तिनापुर पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है। इस राज्यसभा में अब या तो उन्हें वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं, अन्यथा वो तुम्हें आकांक्षा है प्रभु युद्ध है, युद्ध। इसलिए मामा श्री जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। परंतु यदि पांडवों ने खांडव प्रस्त स्वीकार कर लिया तो क्या करोगे? नहीं करेंगे, देखते जाओ।
यदि खांडव प्रस्थ देकर मेरे अनुज दुर्योधन को संतोष मिलता है तो हमें खांडव प्रस्थ स्वीकार है। हम पांच भाई जहां भी एक साथ हो, वो स्थान भले ही बंजर हो, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं। यदि प्रिय युधिष्ठिर को यह स्वीकार है तो हस्तिनापुर नया राज्य बनाने में तुम्हारी सहायता करेगा। मेरी ओर से तुम्हें 1,008 हाथी, 100 रथ और नया राज स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन भेंट में दिया जाएगा। परंतु पुत्र, इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मैंने कौरवों और तुम में कभी भी पक्षपात नहीं किया, सदैव तुम्हें अपने पुत्र से बढ़कर माना है। तुम पांच भाई सर्वशक्तिशाली हो, पांचाली जैसी चतुर भार्या है तुम्हारे पास, परंतु पुत्र, इस जन्मांध धृतराष्ट्र के पास कोई मार्गदर्शक नहीं, कांधारी और मुझे पथ दिखाने वाला कोई तो चाहिए पुत्र, कोई ऐसा जिसके समीप रहने से मेरे भ्राता पांडु की स्मृति बनी रहे। इसीलिए मेरी इच्छा है पुत्र कि तुम्हारी माता कुंती यही हस्तिनापुर में रहे। बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे। एक बार ही सही, परंतु आपने अपने मस्तिष्क का प्रयोग तो किया। नहीं, यह हमें स्वीकार नहीं। हाँ, यदि यही विभाजन की शर्त है तो हमें स्वीकार नहीं चाहिए पिताश्री। महाराज, आप ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं? क्यों एक माता को अपने पुत्रों से दूर कर रहे हैं आप? मैं कुंती को पांडवों से दूर नहीं कर रहा हूं अंगराज, मैं पांडवों को सदा अपने समीप रखने की कोशिश कर रहा हूं। कुंती यहां हस्तिनापुर में रहेगी तो पांडु पुत्र यहां आते जाते रहेंगे, उनका संबंध कभी हस्तिनापुर से समाप्त नहीं होगा। मेरी आंखें देख नहीं सकती, परंतु पांडु पुत्रों का स्वर मुझे सुनने को तो मिलता रहेगा। अद्भुत अद्भुत चतुरता दिखाई है महाराज धृतराष्ट्र। बुआ कुंती को अपने पास रखने का कारण पांडवों से प्रेम नहीं, परंतु कौरवों की ढाल बनाए रखना है, ताकि पांडव भूल कर भी हस्तिनापुर पर आक्रमण ना करें और वे सदैव उनके नियंत्रण में रहें। आपको क्या लगता है ताचरी, क्या मैंने कुछ अनुचित कहा? हम अपनी माता के बिना नहीं जाएंगे।
भले जो भी हो, माता हमारे साथ ही जाएंगी। मैं कहां रहूंगी? ये निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। मुझे ताश्री और गांधारी दीदी के साथ रहना स्वीकार है। परंतु माता, ये असंभव। हम आपके बिना नहीं जा सकते। ये मेरी आज्ञा है भीम। अर्जुन, भीम जीवन में कुछ निर्णय स्वीकारने में बड़े कठोर हो सकते हैं, क्योंकि वे निर्णय नहीं, समय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा होती है। यदि बुआ कुंती दोनों परिवारों को एक रखने, महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही है, तो आप सबको इसका सम्मान करना चाहिए। यदि आपका यही आदेश है, तो हमें स्वीकार। पितामह और माता से दूर रह पाना कठिन और कष्टप्रद होगा, परंतु आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हम आपको छोड़कर खांडवप्रस्थ जाएंगे। तुम्हारे परीक्षा की घड़ी है पुत्रों। तुम्हें भंजर भूमि में पुष्प खिलाने, परिश्रम करना है और पांचों साथ रहना। पुत्री पांचाली, मेरे पांचों पुत्र तुम्हारे उत्तरदायित्व है। युधिष्ठिर तो सज्जन है, परंतु अर्जुन कभी अपने मन की बात स्पष्ट नहीं करता, इसलिए उसका मन समझने का प्रयास करना। और भीम तो नटखट है, उद्दंड है, और इसके भोजन का विशेष ध्यान रखना। अकुल और सहदेव कहने के लिए माद्री के पुत्र हैं, लेकिन मैंने उन्हें भीम और अर्जुन से कभी कम प्रेम नहीं किया। अब तक मैंने इन पांचों भाइयों को एक रखा, अभी उत्तरदायित्व तुम्हारा है या किसी भी।